ପ୍ରଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଟିଂ। ଲାଗିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ଆସିକା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜବତ ହୋଇଛି 7,60,000 ଟଙ୍କା ସହ 6 ମୋବାଇଲ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଚାଲିଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଆସିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 7,60,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 6 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ନଚିକେତା ସେଲକେ। ସେପଟେ ଫେରାର 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହିଭଳି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍। ଶ୍ରାମକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 29 May 2022 ଆସ୍କା ପୋଲିସ କି ଇଭିନିଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଲି କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବେଟିଂ जो आईपीएल मैचेस पे चल रहा है आसका टाउन एरिया में और आजू बाजू के एरिया में कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बना लिया है और वो नॉर्मल अपने सिटीजन्स को फंसा के बहला के उसमें बेटिंग करने के लिए उनको भुला रहे। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब पुलिस ने रेड की तो पाया गया है कि उस जगह 8 से 10 लोग एक गैम्बलिंग का सिंडिकेट चला रहे। रेड के बाद कुछ लोग वहाँ से अब्सकॉन्ड हो गए, पर पुलिस ने को ये सफलता मिली है कि 4 अक्यूज़ को पुलिस ने अप्रेहेंड कर लिया गया। उनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन अप्रेहेंड कर लिया गया और टोटल 7,60,000 कैश उनके पास से बरामद हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन में और इंटरोगेशन में ये उन्होंने कन्फेस कर दिया है कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है ये लोग आईडी और पासवर्ड इन्होंने क्रिएट करा गया और वहाँ से लाइन लेके ये आसका टाउन एरिया में और आजू बाजू के एरिया में ये से बेटिंग का सिंडिकेट चला रहे। इस हिसाब से आसका पुलिस में आज FIR दाखिल हुआ है और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम जारी कर रहे हैं। यूथ को सर कैसे संदेश देना चाहते हैं आप? यूथ को आसका पुलिस की तरफ से और गंजाम पुलिस की तरफ से हम यही संदेश देंगे कि ये ऑनलाइन बेटिंग या फिर जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स जो चल रहे हैं इससे बच के रहे, इससे प्रिकॉशनरी मेजर लेना यही सबसे बेस्ट वे अहेड है। खेल कहाँ पर चल रहा था? जो सुबर्णेश्वर टेम्पल के पास ये कल शाम को ये रेड हुआ है। और कितने यहाँ इन्वॉल्व हैं इस मामले? हमारे अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि 10 लोग कुल इन्वॉल्व थे, उसमें से 4 को अप्रिवेंट किया गया है, 6 लोग अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसका जड़ कितना थे इन्वेस्टिगेशन में? इसका जड़ मैंने और अभी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये आसका टाउन एरिया में ये सीमित है, तो और इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको दे दीजिए। गंजाम भोजनगर अक्षय कुमार शतपथी की रिपोर्ट, सकाळ खबर।